और इस सेशन में हम लोग दो चीजें आज करने वाले हैं, जिसमें से सबसे पहले हम इस तरह का, आप लोगों ने वेबसाइट कभी देखा होगा, इस तरह होती है, सबसे मेन चीज होती है ये। तो हम इसमें करते क्या, इस तरह का मेन्यू बनाते हैं, एक रेस्टोरेंट रेसिपी हो गया आपका, इस तरह का फ्रंट पेज हो गया आपके सामने, और मेन्यू ऐसे खुलते भी हैं आपके सामने लाइक दिस वे। तो मेन्यू के अंदर मेन्यू हो सकते हैं, किसी भी लेवल तक हम जा सकते हैं, ध्यान रखिएगा, और वो प्रॉपरली काम भी करेंगे आप। तो आज के सेशन में हम ये सबसे पहले बनाना सीखेंगे, इसको हम कैसे बनाएंगे। तो सभी बच्चे ध्यान से देखना, कोई भी चीज आपके स्किप ना हो। कोई डाउट हो तो इन बिटवीन द सेशन आप लोग पूछ सकते हैं अपना माइक ऑन करके, वेट मत करना, रेज योर हैंड करा और फिर पूछा, इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा, मैंने ध्यान नहीं दिया तो रह जाएगा। चलिए नाउ लेट्स स्टार्ट, करना क्या है। तो मेरे पास एक बैकग्राउंड इमेज होना चाहिए इसको बनाने के लिए, तो वो आप इमेज यहाँ पर देख सकते हैं, ये मेरे पास इमेज है। तो जहां इमेज है वहीं पे काम करना स्टार्ट कर देते हैं हम। तो हम यहाँ पर ऑन करते हैं अपना VS Code डायरेक्ट। तो इस VS Code में मुझे काम करना है, तो मैं एक काम करता हूँ, मुझे डाटा मैशी मैशी लगेगा अगर ये सब कुछ मुझे दिखेगा, तो मैं एक फोल्डर बनाता हूँ सबसे पहले यहाँ पर। इस फोल्डर का नाम मैं दे देता हूँ मेन्यू एंड सब मेन्यू, और मुझे जो बैकग्राउंड इमेज चाहिए वो मैं इसके अंदर रख लेता हूँ। अब हम अपना काम इस फोल्डर के अंदर करेंगे। ये मेरे पास आ गया फोल्डर, अब इसको मैं मिनिमाइज कर देता हूं। यहां पर जो काम मुझे यहां करना है, आई होप आपको दिख रहा होगा कोडिंग, नहीं दिख रहा तो मैं इसको थोड़ा बड़ा करता हूं, बैक साइड में कोडिंग उसको, कंट्रोल प्लस, अब दिख रहा है। यहां पर मैं दो फाइलें बनाता हूं, एक जिसपे CSS लगाएंगे और एक जो हमारा मेन पेज होगा। तो पहला हम अपना मेन पेज बना लेते हैं मेन्यू के नाम से, या फिर मेन्यू इंडेक्स पेज हो गया हमारा। और हमें CSS की फाइल चाहिए, वो भी हम इसमें लगा लेते हैं, style.css। अपने मेन्यू वाले पेज पे जाएंगे और स्टार्ट कर देंगे HTML। CSS जो है उसको भी लगा के रख लेते हैं। तो लगाने का तरीका link.css लगाना है, आ जाएगा। अगर आपके CSS का नाम कुछ हो रहा है तो वो बदल दीजिएगा, क्योंकि बाय डिफॉल्ट कोई स्टाइल उठाता है। इतना कर लिया भाई हमने। अब मुझे मेन्यू डिजाइन करना है, इसको करते हैं मिनिमाइज, ऐसे बंद कर लो यहाँ पर, इसको साइड में लगा लो, और जो भी पेज हो आप यहाँ पर खोल लीजिए, या फिर आप उस पेज को नीचे भी खोल सकते हो, इट्स योर कॉल है कि भाई आपको करना है क्या। मैं यहाँ पर सबसे पहले इसके साइज को थोड़ा छोटा करने की कोशिश करता हूँ, कि कितना आप देख सकते हैं, इतना इतना ठीक है। विंडो में एडजस्ट कर लेते हैं डाटा को। इसका HTML का पेज रन करते हैं, Alt+L+O, सर्वर आपका ऑटोमेटिकली लाइव हो जाएगा और वो स्टार्ट हो रहा है। ये हो गया स्टार्ट, इसको साइड में लगा लेते हैं, बेसिक फंडा पर। अब हम यहां पर अपना मेन्यू पहले डिजाइन करते हैं, तो कर लेते हैं उसको, कैसे डिजाइन करना है वो देख लो। मैंने आपको एक चीज बताई थी कि जो भी काम करो भाई दिन में करा करो, ये ले लिया। अब मुझे मेन्यू बनाना है, और मेन्यू को हम नेविगेशन बार बोलते हैं, तो बेटा नेव ले लो। अब नैप के अंदर जो मेन्यू बनते हैं वो लिस्ट लिस्ट आइटम ऐसे करके बनते हैं। तो मैंने एक यूएल ले लिया और इसके अंदर पांच लिस्ट आइटम मैंने डिफाइन करने हैं, पांच लिख दिए। तो मेरे पास पांच लिस्ट आइटम बन के आ गए, देखो यहाँ पर दिख रहा है। अब मैं पांचों लिस्ट आइटम के क्या करता हूँ, नाम दे देता हूँ, देखते हैं भाई अपनी शीट में क्या देना था नाम। होम, अबाउट, सर्विसेज, पोर्टफोलियो, फीडबैक। आपके पास जब कोई काम आता है तो आपको पेज दिया जाएगा डिजाइन करने के लिए, चीज ध्यान रखना, आप ऐसे देखेंगे और उसको डिजाइन करने की कोशिश करेंगे। तो मेन्यू हमारे सामने है, हमें इस तरह का मेन्यू डिजाइन करना है। तो होम, अबाउट, सर्विसेज, पोर्टफोलियो, फीडबैक, चलिए बनाते हैं। होम, अबाउट, सर्विसेज, पोर्टफोलियो, फीडबैक, ये हमने ले लिया, पांच मेन्यू आइटम हो गए। अब उसमें काम खत्म नहीं हुआ, सर्विस के अंदर भी एक लिस्ट है जिसमें तीन है, फुल स्टैक, फ्रंट एंड, बैक एंड। तो हम जाएंगे सर्विस के पास, अब इसके अंदर भी एक लिस्ट बनाएंगे, यूएल कर दिया और इसमें तीन लिस्ट आइटम ले लिए। अब दे दो यहां पर नाम, पेज को यहां बगल में खोल लो वरना कंफ्यूज हो जाओगे, बन गए इसमें तीन लिस्ट आइटम। तो हमने यहां पर नाम देना चालू किया,
तो पहली सर्विस थी फुल स्टैक, देन फ्रंट एंड, उसके बाद बैक एंड, ये भी बन गया। अच्छा अब देखते हैं क्या उसके अंदर कुछ और भी था। तो यहां पर आपको दिख रहा है कि फ्रंट एंड के अंदर भी तीन चीजें हैं, HTML, CSS, JavaScript, और भी दुनिया भर की चीजें हो सकती हैं। तो फ्रंट एंड को टारगेट करो, ये फ्रंट एंड है, और चले जाओ इसके अंदर UL के अंदर LI कितने ले लेते हैं, चलो चार ले लेते हैं या पांच ले लेता हूं। HTML हो गया, CSS, JavaScript, jQuery, बहुत कुछ रह रहा है अभी आप लोगों का, बन गए मेन्यू आइटम। अब हम पेज पे फोटो लगाएंगे पहले, फिर इसको ठीक कर लेंगे। पहले पेज पे आने का काम करते हैं, काम कहां होगा, CSS में होगा। तो हम सबसे पहले यहां पर लगाते हैं यूनिवर्सल टैग, बॉक्स साइजिंग को कर देंगे बॉर्डर बॉक्स, और इसके बारे में मैं विस्तार से आपको एक पूरा सेशन देकर अच्छे से बताऊंगा कि बॉर्डर बॉक्स होता है क्या, मैं लगाता क्यों हूं इसको, इसके पीछे एक रीजन क्या है, आएंगे उस पर भी, अभी फिलहाल लगा लो। मार्जिन मैं जीरो कर दूंगा, जहां पर भी कोई गैप वैप आ रहा है छोड़ दिया मैंने, सब कुछ सेट हो गया, देखेंगे उसकी जरूरत होगी तो लगाओ। अब हम आ जाते हैं अपने डिव पर, जो हमारा मेन डिव था, इसके चारों तरफ बॉर्डर लगा लो ताकि पेज को हम वेरीफाई कर पाए कितना है। तो मैंने लगाया बॉर्डर 1 point solid black, तो डिव जहां तक भी होगा बॉर्डर लग जाएगा। अब हम इसकी एक विड्थ सेट कर देते हैं, विड्थ मैंने कर दी 85% सेट हो गया। और अब मैं इसको दे देता हूं मार्जिन ऑटो, ये डन हो गया। डिव दे दिया ना मैंने, मेरी वेबसाइट में जितने भी डोमेन होंगे सब पे लगेगा, अब मैंने तो एक ही बनाया है बेचारा, एक पे लगेगा, अगर उसमें बहुत सारे होते तो मैं क्लास की मदद लेता, ठीक है। मैं तो मेन्यू बनाना सिखा रहा हूँ, तो मैंने उसमें कोई क्लास नहीं दिया, मेरे को पता है मेरी साइट में एक ही डिव है, तो मैंने डिव के ऊपर डाल दिया, तो ये ऑटोमेटिकली डिव पे लग जाएगा। अब मेरी वेबसाइट में कहीं दूसरा कोई डिव आ रहा होगा ना, उस पर भी ये लग जाएगा। बाकी क्लास क्या होती है, आईडी क्या होती है, यू ऑलरेडी नो मच बेटर देन, वो आप अपने अकॉर्डिंग अपने हिसाब से उसको डिजाइन दे सकते हैं, कर सकते हैं उसको। अच्छा इतना हमने कर लिया, अब हम एक काम और कर दें, ये जो डेटा इसमें दिख रहा है ना आपको लिस्ट, ये किसी NAV के अंदर बना हुआ है, जो UL आपको दिख रही है ना, जो पांच लिस्ट आइटम है UL, ये UL है पहला, ये पहला UL है, ये दूसरा UL है, और ये तीसरा, तीन लेवल का UL है आपके पास, लेवल पता लग रहे हैं साफ देखो। तो मैं इस पहले UL को टारगेट करूंगा ताकि ये डॉट खत्म हो जाए। आप लिखो NAV के अंदर जो UL है उसको टारगेट करो, और यहां पर आप लिखिए लिस्ट स्टाइल और कर दो नन, ये तो हो गया डन पहला काम। अब देखिए जब जब लिस्ट आइटम स्टार्ट होते हैं, UL स्टार्ट होता है, ये पहला UL है, ये दूसरा UL, ये स्टार्ट हुआ है, तो मैं थोड़ा गैप चाहूंगा यहां पर। अब तीसरा UL ये स्टार्ट हुआ है, तो क्या चाहते हैं हम, थोड़ा गैप हो, तो मैं यहां पर गैप कैसे लाऊंगा, यहां लिख दूंगा मार्जिन फ्रॉम टॉप साइड, और गैप 1% के आसपास मैंने दे दिया, देख सकते हो आप गैप आ गए यहां पे, ये देखिए गैप फुल स्टैक के ऊपर गैप है, और ये जब आपकी अगली UL स्टार्ट हुई तो यहां पर एक गैप आ गया, यही हम चाहते थे फिलहाल। अच्छा इतना काम हो चुका है हमारा, अब हम क्या काम करेंगे, जो ये आप देख रहे हैं इनको क्या बोलते हैं, लिस्ट आइटम, ये सारे के सारे लिस्ट आइटम है। अब इस लिस्ट आइटम को थोड़ा ठीक ठाक कर लेते हैं, तो मैं लिखूंगा UL में आने वाले लिस्ट आइटम को टारगेट कर रहे हैं, तो ऐसे हम टारगेट करते हैं CSS में, UL में आने वाले LI टारगेट होंगे, तो UL में LI तो ये सारे ही है, सारे ही आपने, तो मैंने यहां पर टारगेट किया, सबसे पहले इनके चारों तरफ एक बॉर्डर लगाने की कोशिश करी, लेकिन ये सब कुछ करने से पहले मैं पेपर में यानी इसके अंदर सबसे पहले बैकग्राउंड में एक फोटो डालना चाहूंगा ताकि वो फीलिंग आने लग जाए। तो हम किसको टारगेट करेंगे, बॉडी को, कि वो बॉडी में पूरे पेज पर है, हम जाएंगे लिखेंगे बैकग्राउंड इमेज URL, और भाई इमेज है हमारी दिस वन, फोटो लग गया। अब ये मुझे डाटा दिख नहीं रहा, अब ये डाटा देखना चाहूंगा तो बॉडी में इन सबको व्हाइट कर दूंगा कलर, और 3 बार है ये व्हाइट हो गया सारा डाटा, अब दिख रहा है हमें। अब ये जो बॉर्डर लगाया है इसको थोड़ी देर के लिए व्हाइट कर देता हूं ताकि भाई बाद में हटाना होगा मैं हटा लूंगा, लेकिन फिलहाल देखना चाहिए कहां तक दिख जा रहा है। तो मैंने यहां पर इसका बॉर्डर कलर यहां ब्लैक की जगह पर
वाइट का इस्तेमाल कर लिया। हाँ कुछ कुछ समझ आ रही है। अब इस फोटो को थोड़ा देखो ढंग से, इसको पूरा करके चलो। फोटो में ये तो नहीं था, फोटो में तो चाय का प्याला भी था वो तो नहीं दिख रहा, मैगी वैगी थी क्या है, मैगी है क्या है, स्नैक्स वगैरह ये तो नहीं दिख रहे। अब यार उनको भी तो लाना है, यानी फोटो हमारा वेबसाइट में अच्छे से अरेंज नहीं हो पाया है, ठीक है। अब कैसे करेंगे, तो भाई मैं एक काम करता हूँ, ये फोटो मुझे लगाना है इस तरीके से, यहाँ पर आ जाएगा। तो बॉडी सेक्शन में जाओ, यहाँ पर आप लिखिए बैकग्राउंड रिपीट, अगर रिपीटेशन हो रहा हो तो पहले तो वो हटा दो, रिपीटेशन था नहीं वैसे लेकिन फिर भी हटा दो। अब लिखो बैकग्राउंड साइज, अब आप इसको कवर करो ताकि पूरी पेज को कवर करने की कोशिश करें। तो आप देख सकते हैं कवर कर लिया उसने, दिखने लगा आपको। और जो पेज की हमारी हाइट है उसको पूरा लेकर मैं चलूंगा 100%, तो यहां पर मैंने कर दिया 100 PH, तो देखो नीचे तक जा रहा है वो। अब यार ये तो ठीक है लेकिन ये तो एक प्याला गायब हो गया, 100 PH करो पिक्चर जो है स्ट्रेच हो गई। अब इसको सेंट्रलाइज करूंगा, तो हम लिखते हैं बैकग्राउंड पोजिशन और इसको मैं दूंगा सेंटर, एक बार और देते हैं एंड नाउ डन। तो हमारी साइड से जो पेज था वो बनकर इतना तैयार हो गया, लास्ट पोजीशन तक हम पहुंच चुके हैं। अच्छा अब मुझे क्या करना है नेक्स्ट पॉइंट पर, इनको ठीक करना है। अब इसको साइड में ले लो, मेन्यू यहां तक आ गया, अब इसे ठीक करते हैं। इस मेन्यू को हम उस डिजाइन तक पहुंचाएंगे जो आप यहां पर देख पा रहे हैं, ये डिजाइन कैसे आएगा। आई होप यहां तक सबको क्लियर है हमने क्या क्या किया। अब सबसे पहले हम इस लिस्ट आइटम को टारगेट करते हैं और इनके चारों तरफ एक बॉर्डर लगाते हैं। बॉर्डर लगाने से क्या होगा, बॉर्डर वगैरह लगाऊंगा तो देखो हर एक लिस्ट आइटम के चारों तरफ एक बॉर्डर है, बक्सा से दिख रहा है ये बॉर्डर है। अब ये हम पहले इस पर इंप्लीमेंट करते हैं, तो मैंने यहां लिखा बॉर्डर 1 point सॉलिड और व्हाइट कलर दे दिया, तो बॉर्डर सब पे लग गया, पूरा पूरा लग गया। हम इस बॉर्डर की एक हाइट और विड्थ डिसाइड कर देते हैं, तो हमने यह डिसाइड किया कि हर बॉर्डर 160 पॉइंट का मैं लेना चाहता हूं, 160 पॉइंट का बॉर्डर हो गया। अब हमने डिसाइड किया कि हर बॉर्डर की एक हाइट होगी 40 पॉइंट की, तो 40 पॉइंट की हमने हाइट रख दी ना। अब ये जो डाटा आ रहा है जैसे होम को देखो आप, ये डाटा बीचों बीच होना चाहिए, तो हम क्या कहते हैं बीच में लाने के लिए टेक्स्ट अलाइन होता है, तो ऐसा करने से वो ओरिजोनटली तो आ गया, वर्टिकली बीच में नहीं आया। तो मैं वर्टिकली बीच में लाने के लिए ये चेक करूंगा कि मेरे इस डिव की हाइट कितनी थी, इसकी हाइट थी 40 पॉइंट देख सकते हैं, तो जो मैं यहां पर लाइन लिख रहा हूं वो इतनी है। अभी देखो होम जो सिलेक्ट हो रहा है ब्लू कलर दिख रहा है, ये इसकी हाइट है डिफॉल्ट। अगर इसकी हाइट को 40 कर दूंगा तो ऑटोमेटिकली ये बीच में आ जाएगा। तो मैं यहां पर एक प्रॉपर्टी यूज करूंगा जिसका नाम होगा लाइन हाइट, अभी देखिएगा आप 40 करते ही बीच में आएगा वो, आ गया बीचों बीच देख रहे हैं आप, लाइन हाइट 40। अब मैं सिलेक्ट करता हूं पूरा पेज कवर हो रहा है कि नहीं हो रहा, हाइट 40 कर दिया आपने, जितना डिप का हाइट था लिस्ट आइटम का उतना आपने उसका लाइन का हाइट कर दिया, तो ऑटोमेटिकली वो पूरा डाटा कवर कर लेगा। अब एक बात और देखिएगा यहां पर, ये जो मेन डिव आ रहा है अब मुझे नहीं चाहिए भाई, मुझे नहीं देख पाई, तो मैं इस मेन डिव को यहां से जीरो कर दूंगा तो वो गायब होगा, मेन्यू दिख रहे हैं। अब इनको मुझे लाइन से अरेंज करना है, लाइन से अरेंज करूंगा कैसे, लाइन से अरेंज करने के लिए जितने भी लिस्ट आइटम है इनकी फ्लॉट प्रॉपर्टी को लेफ्ट कर देता हूं ताकि ये सारे लाइन से अरेंज हो जाए, सारे लाइन से अरेंज हो गए। अब ये डाटा छोटा करके थोड़ा इस तरीके से हम अरेंज करते हैं ताकि पूरी वेबसाइट में मुझे दिख रहा है, बन गया यहां तक। अब ये देखो अलाइनमेंट नहीं आ रही, अलाइनमेंट नाम की चीज समझ में आ रही है, देखो अलाइनमेंट नहीं है, आगे पीछे जा रहे हैं। ये पता है क्यों होता है, ये होता है कि पेज में बाय डिफॉल्ट एक पैडिंग नाम की व्यवस्था होती है और वो पैडिंग बाय डिफॉल्ट आपकी ऑन रहती है। मैं चाहूंगा कि मेरी पूरी वेबसाइट से पैडिंग खत्म कर दी जाए, पैडिंग खत्म करने से सारा जो अलाइनमेंट चल रहा है ये सही हो जाएगा। तो अपने यूनिवर्सल टैग पे जाओ, ये मैंने इसीलिए जब पहले पैडिंग नहीं लिखा था ताकि आप इसके फर्क को देखो। अब आप यहां जैसे ही पैडिंग लगाएंगे तो वो फर्क आपको दिख जाएगा। कई लोग यहां ये नहीं लगाते हैं, वो यहां पर मार्जिन से खेलते हैं लेफ्ट राइट, ये नहीं करना है आपको। देखो पैडिंग लगाओ और इसको जीरो कर दो, हो गया सब सेटम सेट बिल्कुल सेंट्रलाइज करके। तो इसलिए हम लोग ये तीन चीज लगाकर चलते हैं हमेशा ताकि वेबसाइट जब बनाए हमारे अकॉर्डिंग वेबसाइट बने। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या करना है, अब मैं चाहता हूं कि जब माउस इसके ऊपर जाए, जब माउस इनमें से किसी के भी ऊपर जाए तो क्या होना चाहिए, इसका कलर बदलना चाहिए। अब इनका कलर बदलेगा कैसे, दिख रहा है ना आप लोगों को, बड़ा करूंगा तो कट जाएगा इसलिए मेरे को थोड़ा ऐसे करके दिखाना पड़ रहा है, आई होप सो आप देख पा रहे होंगे। अब मैं यहां पर चाहूंगा कि जब हम माउस इनमें से किसी के भी ऊपर ले जाए ये कलर बदले, तो देखो कैसे करना है।
आप यहां पर लिखें यूएल में जो एलआई है उसमें से किसी के भी ऊपर अगर आप माउस लेके जाते हैं, एच ओवर होता है माउस ले जाने का गुण, तो जब भी आप किसी भी लिस्ट आइटम पर माउस ले जाएंगे हम चाहेंगे उसका बैकग्राउंड कलर बदलना, तो हमें लिखना है बैकग्राउंड कलर और ऑरेंज करके मैंने डाल दिया। अब जब हम जाते हैं तो बैकग्राउंड कलर बदलने लगता है, ये बैकग्राउंड कलर चेंज हो रहा है। अब यहां पर एक काम और करना है, वो क्या करना है, ये जो पहली लिस्ट है ये बिल्कुल ठीक है, ये जो दूसरी लिस्ट है फुल स्टैक वाली ये भी ठीक है, तीसरी लिस्ट गड़बड़ कर रही है, इस तीसरी लिस्ट को बाहर की तरफ लाना है ना राइट से, तो तीसरी जो यूएल है उसको टारगेट कर दो। तो थर्ड वाली यूएल को टारगेट कैसे करेंगे, देखो थर्ड वाली को करना है ना, तो पहली को करना है ना दूसरी को, तीसरी को टारगेट करना है। तो आप यहां लिखेंगे यूएल में आने वाला यूएल, तीसरा वाला, तीसरा यूएल तो थर्ड यूएल है। अब थर्ड वाला यूएल कौन सा था जिसमें लिखा था हमने HTML, CSS, JavaScript, jQuery, इसको मुझे राइट साइड लाना है, तो मुझे मार्जिन कहां से देना है, लेफ्ट साइड से। तो मैं मार्जिन कितना दूंगा, जितना इस बॉक्स का साइज है, बॉक्स की विड्थ कितनी थी 160 पॉइंट, तो मैं यहां पर लिखूंगा मार्जिन फ्रॉम लेफ्ट 160 पॉइंट, तुरंत देखिए वो प्रकट हो जाएगा। अब ये नीचे आ रहा है, मुझे फ्रंट एंड से कनेक्ट करना है इसको, कहां से, फ्रंट एंड से, फ्रंट एंड ये वाला है, ये जो दिख रहा है आपको ये वाला है फ्रंट एंड वाला बॉक्स, तो ये नीचे आ रहा है, इसको ऊपर लेके जाना है, तो मैं ऊपर ले जाने के लिए यहां लिखूंगा मार्जिन टॉप से हाइट कितना था 40 पॉइंट, तो माइनस का 40 करूंगा, अगर प्लस का 40 करोगे तो नीचे आ जाएगा वो, हो गया सेट। इस तरीके से हमने मेन्यू को, आप देख सकते हैं मैं जूम करके दिखाता हूं, यहां पर आपने ये सेट कर लिया, डाटा सेट हो गया सारा मेन्यू का। अब ये बाय डिफॉल्ट दिख रहा है, दिखना नहीं चाहिए, दिखना नहीं चाहिए। अब हटाएंगे कैसे, देखो हम यह लिखेंगे कि यूएल में जो हमारे पास एलआई है उसमें नहीं, यूएल में जो भी यूएल है मैं उन्हें गायब करना चाहता हूं, यही चाहते हैं ना, यूएल में जो भी यूएल है यानी लिस्ट में जो लिस्ट आ रही है उन्हें गायब करना है मुझे। तो मैंने लिखा यूएल के अंदर आने वाले यूएल और इनकी डिस्प्ले को मैं कर देता हूं नन, तो वो गायब हो गया, डिस्प्ले नन हो गया, दिखना बंद हो गया। अब ये विजिबल कैसे होगा, अगर इसकी डिस्प्ले प्रॉपर्टी में अगर यहां वैल्यू डाल दूं ब्लॉक, दो प्रॉपर्टी देखी मैं, नन गायब करता है, ब्लॉक शो करता है, मैंने जैसे लिखा ब्लॉक वो शो हो जाएंगे, अरे मैं फिलहाल क्या लिखूंगा नन, नन। अच्छा अब ये सोचो कि दिखने कब चाहिए, जब माउस इनमें से किसी भी लिस्ट आइटम पे जाए तो दिख जाए, जिसके अंदर है तो दिख जाए, अगर इसके अंदर कोई यूएल लिस्ट है तो वो दिख जाए, इसके अंदर है तो वो दिख जाए। तो आप क्या करें, यहां लिखें यूएल पे जो एलआई है उन पे जब माउस जाए तो उसके अंदर आने वाले यूएल के साथ क्या घटना घटे वो आप यहां डालें, कोड को समझिए कैसे लिखा है, यूएल में जो एलआई है उनमें जब माउस जाए, ये देखो माउस जा रहा है यहां तक पहुंच गए, तो हम चाहते हैं कि उसके अंदर अगर कहीं उसको यूएल दिखे तो उसकी डिस्प्ले को ब्लॉक कर दो यानी विजिबल कर दो। तो मैंने यहां लिखा डिस्प्ले और यहां पर आपने लिखा ब्लॉक। अब ट्राई करते हैं, पेज को जूम करता हूं मैं और मैं जा रहा हूं इनके पास, आप देखिए जब मैं वहां पहुंचा वो दिखने लगे, ये दिखने लगे। तो जो अचीवमेंट हमें करना था अब इसको फुल स्क्रीन पे चलाकर हम देखेंगे कि ये हमारे काम का है या नहीं है। तो मैं इसका पूरा 100% साइज यहां करता हूं और इसको फुल स्क्रीन पे चलाते हैं, दिख रहा है मेन्यू बिल्कुल अरेंज है, डाटा आपने यहां दिख रहा है, मेन्यू यहां पर है, एंड नाउ यू कैन कैरी विद योर सॉफ्टवेयर। तो ये हमारा पहला जो प्रोजेक्ट है वो कंप्लीट होता है, किसी बच्चे को कोई डाउट है तो पूछ सकता है। दोस्तों आप सभी से रिक्वेस्ट है कि लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके लिए आप चैनल लोगो पर क्लिक कर सकते हैं या वीडियो के नीचे रेड कलर पर आपको सब्सक्राइब बटन दिखाई देगा उस पर जाकर भी आप क्लिक कर सकते हैं, साथ में आने वाले बेल आइकन को जरूर क्लिक कीजिए। दोस्तों वीडियो के नीचे लाइक बटन पर जरूर क्लिक करें और कमेंट में हमें जरूर बताएं वीडियो आपको कैसा लगा। दोस्तों स्क्रीन पर आपको कुछ मोर वीडियोस दिखाए गए हैं, इनमें से वीडियोस आप देख सकते हैं और अधिक वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट को विजिट कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, हैव अ नाइस डे।